आज नगर पालिका ने सब्जी मार्केट तथा हाथ गाड़ियों पे जो तोड़क कार्रवाई की है, उस तोड़क कार्रवाई पर मनपा के अधिकारियों का कहना था कि आम जनता हाथ गाड़ी पर चारों ओर इस तरीके से भीड़ करती है कि एक ही समय में एक हाथ गाड़ी पे करीबन 15 से 20 लोग खड़ा हो जाते हैं और इन 15 से 20 लोगों के कारण मीरा भाईंदर शहर के अंदर वायरस, कोरोना वायरस इफेक्ट कर सकता है। इन्हें बार बार समझाया गया है कि आप हथगाड़ियाँ पे ना बेचें, गाले में आप सब्जी मार्केट सब्जी भाजी बेचें, लेकिन ये लोग सुना नहीं रहे थे। जिसके मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी इस तरीके के हाथ गाड़ी पे सब्जी बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी। कहीं पर समर्थन हो रहा है तो कहीं पर विरोध हो रहा है, कहीं पर गरीब लोग परेशान हो रहे हैं तो वहीं पर प्रशासन ये कह रहा है कि हमने ये आप सबके भविष्य को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। आज दोपहर में सिटी न्यूज मुंबई की खबर प्रकाशित हुई कि अमीरों को छोड़ा और गरीबों को तोड़ा। इस संदर्भ में जब समाचार प्रकाशित हुआ तो इसे गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने अनधिकृत बांधकाम दस्ते को आदेश दिया तथा मीरा भाईंदर में तमाम जगहों पर इस तरीके की हथगाड़ियों को तोड़कर जहां पर सब्जी भाजी विक्रेता अपनी गंदगी फैला रहे थे उन्हें तोड़ा गया है नया नगर से। जबकि सिंगापुर प्लाजा के सामने 500 स्टॉल अवैध रूप से रखे हुए हैं, बाकायदा बहुत बड़ा मार्केट लगता है। फिलहाल 144 की धारा लगने के कारण ये मार्केट बंद है। वहां पर नगर पालिका ने कोई तोड़क कार्रवाई अभी भी नहीं की है, जबकि गरीबों के हथगाड़े बंद रहने के बावजूद भी तोड़े गए हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में जो गरीब वैसे ही भूखे मर रहे हैं, अब गाड़ियां तोड़ने की वजह से उनके संकट गहरा गया है। कैमरामैन आरिफ डीसी के साथ सिटी न्यूज मुंबई की रिपोर्ट। शांति नगर के जैन मंदिर के पास देर शाम यहां पे नगर पालिका ने बंद सब्जी भाजी और फल फ्रूट विक्रेताओं की तोड़फोड़ की है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये हाथ मजदूर और गरीब लोग है, इनकी तोड़क कार्रवाई के ऊपर ये लोगों में भी काफी रोष पाया जा रहा है। धंधा बंद रहने के बावजूद भी तोड़ा गया। बंद था, लगा नहीं था, एकदम बंद था, पकड़ा बारह हुआ सबका था, आया सो के लिए गया लोग। लेकिन ऐसा तो उधर नया नगर में भी तोड़ा, सुबह सभी का तोड़ रहे। लेकिन माल नहीं लगा था ना सर, बंद था, हम लोग कोई नहीं था, आराम से घर पे थे सर, हम लोग सब लोग घर पे था, हम लोग सभी भी तो चौक ले गया लोग। आपको मार गई लगी अंदर का रखा तो तोड़ा। ये जैन मंदिर के पास भी तोड़ा गया हुआ है, यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं। शाम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संचार बंदी यानी कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू लगाने के बाद मीरा रोड स्टेशन मच्छी मार्केट में आप ये मार्केट देख सकते हैं कि संचार बंदी की किस तरीके से यहाँ पे धज्जियाँ उड़ रही है। नगर पालिका ने आज यहाँ पर सिटी न्यूज मुंबई की रिपोर्ट आने के बाद तोड़क कार्रवाई की है। काफी सामान यहां से उठा करके भी लेके गए। आप देख सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से तोड़क कार्रवाई है। ये तोड़क कार्रवाई का नजारा है, सॉरी ये देख सकते हैं आप यहां पर, ये दूसरे का भी तोड़ा है। ये तोड़क कार्रवाई हुई है, इन सब जगहों पर तोड़क कार्रवाई नगर पालिका ने की है। आप ये जो देख रहे हैं ये काशी मीरा का नजारा है। काशी मीरा में भी इस तरीके से नगर पालिका ने टपरियां तोड़ी है, हाथ गाड़े तोड़े हैं, वहां पे भी देर शाम कार्रवाई की गई है। मीरा भाईंदर की खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।